अटन कैपिटल ने 2022 का पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। इस इंडेक्स में यूएई के पासपोर्ट को सबसे ताकतवर तो अफगानिस्तान के पासपोर्ट को सबसे कमजोर बताया गया है। भारत को इस लिस्ट में 69वें स्थान पर रखा गया है, वहीं पाकिस्तान 94वें स्थान पर है। देखिए रिपोर्ट। विदेश यात्रा के लिए सबसे जरूरी होता है आपका पासपोर्ट। उसके बिना आप किसी दूसरे देश में यात्रा नहीं कर सकते हैं, और अगर करते हैं तो वो गैर कानूनी होता है। ऐसा करते हुए पकड़े जाने पर आपको उस देश के कानूनों के अनुसार सजा भी हो सकती है, जिसके बाद आपका वहां से निकल पाना भी मुश्किल हो सकता है। इसलिए विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट एक तरह से उस देश में जाने के लिए लाइसेंस होता है। और अब इसी पासपोर्ट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें ये बताया गया है कि किस देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है। ये लिस्ट अटन कैपिटल ने जारी की है, जिसमें विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट और सबसे कमजोर पासपोर्ट वाले देशों की एक सूची पर रिपोर्ट छापी है। इस रिपोर्ट में पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में दुनिया के सबसे मजबूत और सबसे कमजोर पासपोर्ट की रैंकिंग भी बताई गई है। आइए आपको ये बताते हैं कि इस लिस्ट के हिसाब से कौन से देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रांग है और भारत इस लिस्ट में कौन से नंबर पर है। UAE साल 2022 में पासपोर्ट की रेटिंग में पहले स्थान पर है। UAE पासपोर्ट के साथ यात्री 180 देशों में बिना किसी परेशानी से प्रवेश कर सकते हैं। UAE पासपोर्ट को 59 देशों में वीजा ऑन अराइवल और 121 देशों में वीजा मुक्त एंट्री की सुविधा मिलेगी। उन्हें केवल 89 देशों के लिए वीजा की जरूरत है। जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन, लग्जमबर्ग समेत 10 यूरोपीय देश दक्षिण कोरिया के साथ दूसरे स्थान पर है। इन पासपोर्ट धारकों के पास 126 देशों में वीजा फ्री एंट्री और 47 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा है। यूनाइटेड स्टेट्स पासपोर्ट को 116 देशों में वीजा फ्री एंट्री की क्षमता के साथ तीसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद यूके चौथे स्थान पर है। भारत इस सूची में 69वें स्थान पर है। अफगानिस्तान अंतिम स्थान पर रहा, वहीं पाकिस्तान 94वें स्थान पर रहा। जापान 24वें स्थान पर है, क्योंकि उसकी 171 देशों तक आसान पहुंच थी। पासपोर्ट इंडेक्स संयुक्त राष्ट्र के 139 सदस्यों पर आधारित है। इस सूची को बनाने के लिए 6 अलग पहलुओं पर विचार किया गया है। इस लिस्ट के लिए डेटा अलग अलग देशों के सरकारों द्वारा दी गई है। क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से प्राप्त जानकारी के साथ हर समय चेक किया जाता है। इसके अलावा अत्यधिक विश्वसनीय स्रोतों से भी इस डेटा को चेक किया जाता है। इस सूची को बनाने के लिए 3 स्टेप पर काम होता है, जो मोबिलिटी स्कोर के आधार पर रेट करती है। इसमें वीजा मुक्त, वीजा ऑन अराइवल और ई वीजा का VF हिस्सा भी शामिल है। उनका स्कोर बनाम VOA और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास सूचकांक 2018, जिसका उपयोग टाई ब्रेकर के रूप में किया जाता है। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10।